राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आने लगी है, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने अनलॉक 3 के तहत दिल्ली में कई तरह की छूट दी है, जबकि कुछ को पाबंदियों के साथ खोला जाएगा और कई चीजें फिलहाल पूरी तरह बंद रहेगी। आइए डालते हैं एक नजर। कोरोना महामारी ने भारत में जमकर तबाही मचाई। देश का हर राज्य इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ। राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं रही, लेकिन अब कुछ दिनों से मामले कम होने लगे हैं, जिसे देखते हुए कई महीनों से चल रहे लॉकडाउन के बाद फिलहाल दिल्ली को अनलॉक करने का काम शुरू हुआ है। एहतियातों के साथ साथ दिल्ली को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी ने अनलॉक की दिशा में एक कदम और बढ़ाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अब मामले बहुत कम हो गए हैं। हालांकि उन्हें इस बात की भी चिंता सता रही है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर कैसे लाए जाए और संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए किस तरह की तैयारियां की जाए। उन्होंने बताया कि ऐसे कई लोग हैं जिनकी रोजी रोटी पर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, जिनके लिए धीरे धीरे चीजों को खोला जा रहा है ताकि लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आए। अनलॉक 3 के तहत दिल्ली में कई पाबंदियों पर ढील दी गई है। हालांकि सीएम केजरीवाल ने ये भी कहा कि अगर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती है तो फिर से सख्त फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल केजरीवाल सरकार ने शॉपिंग मॉल्स और बाजार के लिए ऑड इवन के फॉर्मूले को खत्म कर दिया है। बाजार और मॉल सुबह 10 से शाम 8 बजे तक खुलेंगे। 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट भी खुलेंगे और ये एक हफ्ते के ट्रायल बेसिस पर है। सरकारी दफ्तर में 100% अधिकारी और बाकी कर्मचारी 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। प्राइवेट ऑफिस में कर्मचारी 50% कैपेसिटी के साथ 9 से 5 बजे तक काम करेंगे। हालांकि ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम की ही कोशिश होगी। कोरोना काल में बंद चल रहे साप्ताहिक बाजारों को भी छूट मिली है, लेकिन एक जोन में सिर्फ एक ही वीकली मार्केट खोलने की इजाजत है। दिल्ली सरकार ने कई चीजों पर अभी भी पाबंदियां जारी रखी हैं। स्कूल कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों पर भी रोक लगी रहेगी। हालांकि धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन वहां पर आम लोगों के जाने पर मनाही है। सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर जिम, पार्क, योगा इंस्टीट्यूट बंद ही रखे जाएंगे। दिल्ली सरकार ने ये भी एडवाइजरी जारी की है कि शादियां सिर्फ घर या फिर कोर्ट में ही होंगी, जिसमें 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। मैरिज हॉल, गार्डन या बैंक्वेट हॉल जैसे पब्लिक प्लेस में शादियों पर रोक रहेगी। मेट्रो और बसें 50% क्षमता के साथ चलाई जाएंगी और साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चालू रहेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यात्रियों की संख्या कम ही रखनी होगी। खैर, दिल्ली सरकार ने अनलॉक 3 में बहुत सारी चीजों पर से पाबंदियां हटा दी हैं, ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, लोग घर से बाहर निकल पाए, उनकी रोजी रोटी चल पाए। अब लोगों की जिम्मेदारी भी ये बनती है कि वो भी कोरोना से निपटने में सरकार का साथ दे, कोरोना नियमों का पालन करें। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। डेली बज इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।